नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं आईबीएन 24 पर। हरियाणा के गुरुग्राम में किडनी ट्रांसप्लांट नेक्सस का भंडाफोड़ हुआ है। किस तरह से किडनी बदलने के लिए एक बड़ा गिरोह चलाया जा रहा था। आपको बता दें कि जयपुर के फोर्टिस अस्पताल के ऊपर आरोप लगाया कि नियमों की अनदेखी करते हुए फोर्टिस अस्पताल जयपुर के डॉक्टरों और वहां की कर्मचारियों की मिलीभगत की वजह से किडनी ट्रांसप्लांट का एक बड़ा गिरोह चलाया जा रहा था। इसमें किडनी डोनर बांग्लादेश से लाए जाते थे, जिनको किडनी लगाई जाती थी वो लोग भी बताए जा रहे हैं कि बांग्लादेश से फर्जी पासपोर्ट के ऊपर लाए जाते थे। आप सोचकर देखिए कि फर्जी पासपोर्ट के ऊपर अगर कोई शख्स किडनी यानी ट्रांसप्लांट करने के लिए इंडिया लेकर आया जा सकता है, तो ऐसे में ये कितना बड़ा गिरोह होगा और क्या इस संभावना से इनकार किया जा सकता है कि ऐसे ही फर्जी पासपोर्टों के ऊपर जो आतंकवादी हैं उनको भारत ना भेजा जाता हो। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। आपको बता दें कि गुरुग्राम में कल एक होटल पर छापा मारा गया। जो सीआईडी टीम थी, जो सीएम फ्लाइंग की टीम थी और जो सीएमओ जो सिविल सर्जन होते हैं गुड़गांव के, उनकी जो टीम थी उन्होंने एक होटल में छापा मारा। होटल में छापा मारने के बाद तीन लोगों को हिरासत में लिया गया। ये तीनों लोग बांग्लादेश के रहने वाले थे। इसमें से एक डोनर था जो कि अस्पताल की जगह हॉस्पिटल में डे केयर सर्विस ले रहा था। दो लोग ऐसे थे जिनके अंदर किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। और बताया ये जा रहा है कि ये जो पूरा गिरोह चलाते थे ये 10 से 20 लाख रुपए किडनी डोनर के नाम पर लिया करते थे, लेकिन किडनी डोनर को सिर्फ 2 लाख रुपए मिलते थे, बाकी 18 लाख रुपए ये गिरोह खुद और डॉक्टरों में बांट दिया करता था। ये अपने आप में बड़ा मामला है, गंभीर मामला है। क्या कुछ पूरा मामला है ये आपको अभी आगे सुनवाएंगे कि जो डॉक्टर पवन चौधरी हैं जो डिप्टी सीएमओ थे उन्होंने क्या बयान दिया, और जो इंद्रजीत सिंह थे डीएसपी थे सीएम फ्लाइंग के उन्होंने क्या बयान दिया। लेकिन अपने आप में ये गंभीर और बड़ा मामला है कि किस तरह से हरियाणा के गुरुग्राम में 100 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट बताए जा रहे हैं कि अभी तक हो चुके हैं, और ये सारे के सारे किडनी ट्रांसप्लांट जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में किए गए हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है, देखना होगा कि कितने लोग कौन कौन लोग इस पूरे गिरोह में शामिल थे, कैसे ये पूरा रैकेट चल रहा था, और किडनी रैकेट के अंदर जिस तरह से ये किडनी ट्रांसप्लांट के मामले सामने आए ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। आपको बता दें कि अगर आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना होता है तो आपका आपस में ब्लड रिलेशन होना चाहिए, यानी जो किडनी रिसीवर है जिसको किडनी लगनी है और जो किडनी डोनर है ये ब्लड रिलेशन में होने चाहिए। लेकिन अभी तक की जांच में सीएम फ्लाइंग का कहना है कि इनका आपस में कोई भी रिलेशन सामने नहीं आया। कई फर्जी पासपोर्ट, बांग्लादेश के कई फर्जी पासपोर्ट इनके पास से बरामद हुए हैं। ये भी पता लगा है कि 2 से 3 लाख रुपए जो डोनर है उसको दिए जाते थे और बाकी पैसे जो ये पूरा नेक्सस चलाने वाले लोग हैं ये खुद ही बांट लिया करते थे। जानते हैं कि आखिर क्या कुछ गुरुग्राम पुलिस के जो सीएम फ्लाइंग के डीएसपी थे वो कहते हैं और जो सीएमओ टीम के डॉक्टर पवन चौधरी है उनका क्या बयान है, एक बार सुनिए। सीएम उड़न दस्ता के अनुरोध पर सीएमओ गुरुग्राम द्वारा एक बोट गठित की गई जिसका छापा बाइबिल प्लेस सेक्टर 39 के एक गेस्ट हाउस में पड़ा, जिसमें कुछ बांग्लादेशी ऑपरेशन फोर्टिस जयपुर में बगैर नियम के पालन करते हुए किया जाता था और पैसे की लेन देन की होती थी, उसकी जांच के लिए यहाँ कार्रवाई की गई। किडनी ट्रांसप्लांट का क्या मामला है सर, कितने लोग हो सकते हैं, ये तो जांच की मामला, एक मामला जिसका प्रॉपर मिला है, बाकी कई लोग यहाँ एडमिट थे जिसकी जांच चल रही है। सर कहाँ ले जाते थे, किस तरह से ट्रांसप्लांट? अभी तक था कि फोर्टिस जयपुर में इनकी होती थी और उसके बाद सर्जरी के बाद गुड़गांव में उनका पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता था। गुड़गांव के किसी हॉस्पिटल में ऐसा मामला नहीं है। सर क्या फोर्टिस हॉस्पिटल के भी लोग इनसे मिले हुए थे? फोर्टिस जयपुर, फोर्टिस गुड़गांव से कंफ्यूज नहीं कीजिए, हमेशा फोर्टिस जयपुर के, गुड़गांव में इसमें कोई केस नहीं है, फोर्टिस जयपुर का मामला है। क्या वो मिले हुए थे, इनसे जानकारी थी किस तरह से लाए? अभी ये जांच का मामला है। सर एक बड़े नामी हॉस्पिटल के पास ही गेस्ट हाउस में आ रहे हैं, क्या उसमें से लिप्त हो सकते हैं? अभी कुछ नहीं कह सकते, जांच चल रही है। बाबिल हॉस्पिटल सेक्टर 39 में एक रेड की गई संयुक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा, उनकी जांच में जो आया है उन्होंने दी है उस पर हम एफआईआर लॉन्च करके तफ्तीश शुरू कर रहे हैं।
अभी ये जांच का विषय है, अभी चल रहा है, जैसा प्राइमा फेशिया जो आया अभी तक वही आपके सामने।